बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू मीना का किचन। तो नाज़रीन, जो मैं आज आप रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप बड़ी इजी बनती है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राइंडर में अपनी क्रीम डालेंगे। क्रीम मैंने तकरीबन बनाने से 2 से 3 घंटे पहले मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैंने ये मिल्क पैक की क्रीम ली है। आप अपने हिसाब से जो भी अच्छी आपको जिस कंपनी की क्रीम अच्छी लगती है आप वो यूज़ कर सकती हैं। फुल ठंडी क्रीम है ये, तकरीबन 2-3 घंटे मैंने पहले फ्रिज में रखी हुई थी। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे ग्राइंड। जी नाज़रीन, तो हमारी क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देख सकती हैं कि ये बिल्कुल बीट हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे इसके साथ ये चीनी। चीनी में टूटी फूटी में भी होती है, तो चीनी थोड़ी सी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि क्रीम खुद भी ज़्यादा मीठी है और टूटी फूटी जो इसमें शामिल करेंगे वो भी मीठी है, इससे फिर ऐसे लगा चीनी ज़्यादा। जी नाज़रीन, हमारी चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 चम्मच सूखा दूध, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। जी नाज़रीन, तो हमारी सूखा दूध भी इसमें अच्छी तरह बीट हो चुका है, तो चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन अभी इसका ना जो क्रीमी पन है वो अभी सही नहीं हुआ, अब हम इसको अभी और बीट करेंगे। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। दूध भी फुल ठंडा है, इसमें जो भी चीज़ इस्तेमाल होनी है वो टोटली ठंडी होनी है, इसमें कोई भी रूम टेम्परेचर वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं, ये दूध भी है, ये दूध भी मैंने ऊपर फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये भी फुल ठंडा है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इसको फिर दोबारा से बीट करेंगे। जी नाज़रीन, जो मैंने क्रीम में डाल के दूध डाल के इसको बीट किया था, ये बहुत अच्छी तरह बीट हो चुका है। अब मेरे पास है पिंक कलर, मैं इसमें पिंक कलर शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पिंक कलर शामिल करना है, बिल्कुल यकदम नहीं करना कि फिर तेज़ ना हो जाए। जितना मतलूबा कलर आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पिंक कलर डाल सकती हैं। मैं इसमें पहले थोड़ा सा डालूंगी, तकरीबन आधी चम्मच के बराबर, और इसको बीट करूंगी, फिर देखूंगी कि मेरा मतलूबा कलर वो बनता है कि नहीं। अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा और कलर डाल लेंगे। जी नाज़रीन, तो मुझे जो कलर चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मैं इससे ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं बनाऊँगी, मुझे ये कलर मिल चुका है और हमारी क्रीम भी बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। तो अब हम इसको निकालेंगे अपने बर्तन में जिसमें हमने आइसक्रीम अपनी जमानी है। जी नाज़रीन, तो हमारे पास ये आइसक्रीम वाला डब्बा है, हम इसमें अपनी क्रीम निकालेंगे। ये मेरे पास टूटी फ्रूटी है, अब इसमें हम थोड़ी सी ये शामिल करेंगे। अब हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर 7 से 8 घंटे में ये अच्छी हो जाती, बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, आइसक्रीम तैयार हो जाती है, तो कोई मुश्किल नहीं, वरना आप 1-1.5 घंटा ज़्यादा भी रख सकती हैं। तो मिलते हैं अभी इसके फ्रीज होने के बाद। नाज़रीन, तो हमारे 8 घंटे पूरे हो चुके हैं, हमारा जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको खोलेंगे और देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल
रेडी हो चुकी है हमारी आइसक्रीम, ये आप देख सकती हैं कि मैंने ये इसमें निकाली है। ये देखिए इसके हम ऊपर हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डाल देते हैं। ये देखें जी हमारी आज की आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। टूटी फ्रूटी आप चेक कर सकती हैं कि बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी, इसको फ्रीज़ भी हुई और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक गिफ्ट होगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई, आपको टूटी फ्रूटी आइसक्रीम अच्छी लग गया तो फिर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वाकई ही मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली रेसिपी में। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।